शिव की आराधना करें, शिव मंदिर जाएं, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करें, और बन सके तो एक बेलपत्र, और बेलपत्र भी वह जो आप स्वयं भी वृक्ष लगाएं, और वृक्ष लगाकर एक बेलपत्र शिव को समर्पित करें। कोई छोटा पौधा अगर है तो उसकी पत्तियां ना तोड़ें, अपने बड़े वृक्ष जो अपने ऊपर छाया करते हैं उन्हीं की पत्तियां लेकर शिव को समर्पित करें। अगर बेलपत्र की पत्ती नहीं है तो शिव मंदिर की ही पत्ती उठाकर उसको धोकर बाबा को समर्पित करें। इतना भी नहीं कर सकते तो देवालय शिवालय का दर्शन अवश्य करें, या अपने जिस कर्म में हम लगे हैं उस कर्म को करते करते महामृत्युंजय मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आप महाराज आगे में क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी न्यूज चैनल के श्रोता भाई बहनों को इतना ही कहना चाहूंगा, श्रावण के महीने की अधिक मास की पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत बधाई देते हुए आप अपने कर्म को करते हुए भगवान शंकर की आराधना करें। शिव भक्ति का एक अनूठा आनंद ये श्रावण के महीने में और मल मास में होता है, जिसके अंतर्गत आप कर सकते हैं और भक्ति में डूबिएगा।